डियर स्टूडेंट्स, एक गुड न्यूज़ है कि FPSC ने, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने, इंग्लिश लेक्चरशिप और दूसरे लेक्चरशिप टेस्ट्स अनाउंस किए हैं। एक जनरल सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ, इसका सब्जेक्ट कैसे, मार्क्स की डिवीजन कैसे होती है और आपने तैयारी कहाँ से करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है FPSC में, ठीक है। और इसमें मार्क्स की डिवीजन क्या है, आप देख सकते हैं 70% इंग्लिश है और 30% प्रोफेशनल है। क्या मतलब है, दूसरे जो भी सब्जेक्ट है, जो भी जॉब होती है FPSC में, उसमें 20% इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। 20% क्वेश्चन जो होते हैं वो इंग्लिश में से होते हैं, ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच और जनरल सी इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन। लेकिन चूंकि ये इंग्लिश का ही सब्जेक्ट है तो इसमें वो 20% सेपरेट नहीं दिए जाते, बल्कि वो ये 70% जो इंग्लिश का सब्जेक्ट में से होगा उसी में ही वो ऐड कर दिए जाते हैं। तो इसमें 30% प्रोफेशनल पार्ट से मुराद ये होता है कि जो टीचिंग से रिलेटेड, चूँकि ये इंग्लिश टीचिंग से रिलेटेड है, तो जो एजुकेशन और टीचिंग मेथड्स और स्ट्रेटजीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इससे आए उसमें आएंगे, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गई, या एजुकेशनल डिसिप्लिन है, मैनेजमेंट है, स्टूडेंट्स को कैसे टीच करना है, ये सारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको बेस्ट बुक बता देता हूँ, आप क्वालिफाई हेडमास्टर गाइड ले लें, ठीक है। बहुत अच्छी है, मार्केट में अवेलेबल है, क्वालिफाइड बी एड पार्ट 1-2 या क्वालिफाइड हेडमास्टर, ठीक है। क्वालिफाइड हेडमास्टर गाइड आपको मार्केट से मिल जाएगी, उसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसमें 70% में डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन होती है मार्क्स की, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है हम इंग्लिश हिस्ट्री से आएंगे, कुछ इंग्लिश ग्रामर के होंगे, कुछ ELT यानी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग से होंगे, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो क्रिटिसिज्म से होंगे, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पोएट्री ड्रामा नॉवल, ठीक है, इनमें से होंगे। इसके लिए जो सबसे अच्छी बुक आमतौर पर कही जाती है वो B.R. मलिक की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है, वो अच्छी समझी जाती है। लेकिन इसके अलावा एक बुक और भी है, क्वालिफाइड टेस्ट, ये गाइड, ये बुक है, ये नेट के ऊपर पड़ी होगी, ये किसी इंडियन ने इकट्ठी की है, सारे इंग्लिश लिटरेचर को कलेक्ट करके बना दिया उसने बुक। तो आप इसको अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको किसी भी और बुक की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी बुक है ये वाली भी।